सलमान खान की टाइगर जिंदा है के साथ सब कुछ सही चल रहा था, जब अचानक ही महाराष्ट्र में फिल्म के विरोध में स्वर उठने लगे। रिपोर्ट्स की माने शिवसेना और MNS मुंबई में फिल्म के रिलीज को लेकर विरोध कर रही है। दरअसल उसी दिन यानी कि 22 दिसंबर को ही मराठी फिल्म देवा रिलीज हो रही है। राज ठाकरे ने कहा है कि यदि मराठी फिल्म देवा को प्राइम टाइम पर नहीं दिखाया गया, वे सलमान खान की आने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है को महाराष्ट्र के किसी भी थिएटर में नहीं चलने देंगे। इतना ही नहीं बल्कि सुपरस्टार अक्षय कुमार ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जहां वो फैंस से मराठी फिल्म देवा देखने का अनुरोध कर रहे हैं। अक्षय के वीडियो को शेयर करते हुए शालिनी ठाकरे ने कहा, मराठी सिनेमा के सपोर्ट में अक्षय कुमार के खड़े होने की हम सराहना करते हैं। हम यानी कि साफ तौर पर अक्षय कुमार टाइगर जिंदा है के बजाय देवा के साथ खड़े हैं। गौरतलब है कि कुछ समय से यूं भी सलमान और अक्षय के बीच तनातनी चल रही है। यहां जाने टाइगर जिंदा है के विरोध में क्या क्या कहा गया। राज ठाकरे का हमला। राज ठाकरे ने कहा है कि यदि मराठी फिल्म देवा को प्राइम टाइम पर नहीं दिखाया गया, वे सलमान खान की आने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है को महाराष्ट्र के किसी भी थिएटर में नहीं चलने देंगे। सलमान को होगा नुकसान। MNS का कहना है कि दोनों मराठी फिल्मों और टाइगर के बीच बराबर के स्क्रीन का बंटवारा होना चाहिए, वरना सलमान खान की फिल्म को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। टाइगर जिंदा है, संजय राउत ने कहा, टाइगर जिंदा है जैसी बड़ी फिल्में छोटी फिल्मों का बिजनेस खाना चाहती है। ये दादागिरी सिर्फ महाराष्ट्र में ही चलती है। जो ऐसा कर रहे हैं उन्हें याद रहना चाहिए कि शिवसेना का टाइगर भी जिंदा है। MNS प्रवक्ता ने कहा, यदि यशराज फिल्म्सन ने मराठी फिल्मों के लिए स्क्रीन नहीं छोड़ी तो उन्हें नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने अपनी फिल्मों की शूटिंग मुंबई में की है। मल्टीप्लेक्स के मालिकों को यह बातें दिमाग में रहनी चाहिए। शालिनी ठाकरे का बयान, मराठी फिल्मों को प्राइम टाइगर शोज मिलने चाहिए। टाइगर जिंदा है की वजह से देवा को स्क्रीन नहीं मिल रहे हैं। यदि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मराठी फिल्मों का बिजनेस खाएगी तो हम विरोध करेंगे। हमने किसी को धमकाया नहीं है। फिल्मों का विरोध प्रदर्शन। टाइगर जिंदा है से पहले पद्मावती, रईस, ए दिल है मुश्किल और MS धोनी जैसी फिल्मों को भी महाराष्ट्र में विरोध का सामना करना पड़ा है।